हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट्सअप गाइस। सो आज का वीडियो है कंपैरिजन वीडियो। मैं दो ऐसे फाउंडेशन को आज लाई हूँ जो बहुत ही फेमस ब्रांड का है, हर कोई इसे पहचानता है। सो मैं आज आप सभी के सामने डेमो भी दूंगी और मैं अपने फेस के दोनों साइड पे दो अलग अलग फाउंडेशन का अप्लाई करूंगी और बताऊंगी कौन सा वाला बेस्ट है। तो चलो देखते हैं कौन सा फाउंडेशन है। सो जिस फाउंडेशन के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ वो है ये दो फाउंडेशन, और दोनों ही सेम ब्रांड के हैं। एक मीडियम कवरेज देता है, एक हाई कवरेज देता है, और ये है मेबलिन फिट मी और ये है मेबलिन सुपर स्टे। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इनकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग की बात करें तो दोनों ही ग्लास बॉटल में आता है और दोनों के ही सर पे कैप दिया हुआ है। सुपर स्टे वाला व्हाइट में आता है और फिट मी वाला ब्लैक में आता है। फिट मी वाला का शेड कैप में ही दिया हुआ है 228 सॉफ्ट 10 मेरा शेड है, और इसमें मेरा शेड है 310 सन बेज, और इसका शेड पीछे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। शेड की बात करें तो दोनों ही सेम शेड के हैं ऑलमोस्ट, बट लिटिल बिट लाइट है ये सुपर स्टे वाला फाउंडेशन। मैं जब अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ थोड़ा वाइट लगता है, बट ऑब्जर्व होने के बाद वो परफेक्ट स्किन टोन मैच हो जाता है मेरे स्किन टोन में। और ये दो फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है फेस पे। सबसे अच्छी बात इन फाउंडेशन की है कि इसमें पंप दिया हुआ है, और इससे क्या होता है आपको जितना ज़रूरत होता है उतना ही प्रोडक्ट आप इससे निकाल सकते हो, और इससे हाइजीन भी मेंटेन रहता है। सो सबसे पहली बात इसका बहुत ही अच्छा है, इसमें पंप दिया हुआ है और फिट मी में भी पंप आता है, बट मैंने जब इसे खरीदा था करीबन 2 साल पहले तब इसमें पंप नहीं होता था, आप देख सकते हो इसमें पंप नहीं है। इससे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा कभी प्रोडक्ट बाहर आ जाता है और हाइजीन भी इससे मेंटेन नहीं होता है, जो बहुत ही डिसअपॉइंट किया था मुझे, बट थैंक गॉड अभी फिट मी में पंप आता है। सो प्राइस की बात करें तो मेबलिन फिट मी आता है 599 में और सुपर स्टे आता है 750 में। मैंने इसे लोकल मार्केट से ख़रीदा था तो मुझे इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिला, और इसे मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा था तो इस पर मुझे भारी डिस्काउंट मिला। मैंने इसे ख़रीदा था 525 में, विच इज़ वेरी गुड। दोनों का ही क्वान्टिटी 30 ml का है। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले डेमो देख लेते हैं कि कौन सा फाउंडेशन मेरे फेस पे कैसा लगता है, कौन सा बेस्ट है वो भी देख लेते हैं। चलो फर्स्ट मैंने अप्लाई किया है मॉइस्चराइज़र। एज अ मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का क्यूकम्बर जेल। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। इन दोनों फाउंडेशन को मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। हाफ साइड में लगाऊंगी सुपर स्टे और हाफ साइड में अप्लाई कर लूँगी फिट मी। सबसे पहले मैं अप्लाई कर लूँगी फिट मी, और मुझे बस थोड़ा सा ही लेना है। इस फाउंडेशन का फॉर्मूला लिक्विडी है, आप देख सकते हो, जो सो मैं अपने हाफ फेस पे इसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी, और इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लूँगी। फिट मी में पूरे 18 शेड है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है इंडियन स्किन टोन के लिए, और सुपर स्टे में ओनली 9 शेड है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। फिट मी मीडियम कवरेज देता है, बिल्कुल नेचुरल फिनिश है इसका, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं आपने फेस पे कुछ लगाया है, और आपको हैवी सा बिल्कुल फील नहीं होगा, जो कि मेरे लिए परफेक्ट है। सो मैंने अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे एक साइड पे फिट मी। सो आप डिफरेंस देख सकते हो, आपके सामने है, क्योंकि ये फाउंडेशन मीडियम कवरेज देता है, तो आप देख सकते हो मेरा डार्क सर्कल थोड़ा सा विजिबल है, और जो थोड़ा बहुत डार्क स्पॉट है वो भी ठीक तरह से कवर नहीं हुआ है। तो अभी मैं सुपर स्टे अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे, और ये बहुत थोड़ा सा ही लगता है, बस एक पंप ही इसका काफ़ी है, और इसका फॉर्मूला बहुत ही थिक है फिट मी से। सेम डॉट डॉट करके मैं अपने फेस पे लगा लूँगी, और उसी ब्यूटी ब्लेंडर का मैं इस्तेमाल करूँगी, उससे ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन को अच्छी तरीके से, और ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है फेस पे। आप इसका कवरेज देख सकते हो, बस एक पंप ही काफ़ी है इसका, और इसमें अगर और शेड होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता इंडियन स्किन टोन के लिए। सो आप डिफरेंस देख सकते हो, सुपर स्टे वाला एकदम हाई कवरेज है, कोई कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डार्क सर्कल डार्क स्पॉट वगैरह विजिबल नहीं है, बट फिट मी में कंसीलर की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा डुई फिनिश देता है और बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, आप देख सकते हो।
आई थिंक आपको देख के पता चल गया होगा कौन सा फाउंडेशन कैसा है। दोनों ही फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, दोनों ही ब्लेंड भी अच्छे से होता है, दोनों का फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट मुझे फिटमी वाला ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे मीडियम कवरेज पसंद है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। आप आपके हिसाब से फाउंडेशन को चूज़ करना। सो डेमो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा फाउंडेशन कैसा है और मेरे फेस पे कैसा लग रहा है। अभी भी मैंने उन दोनों फाउंडेशन को ही वेयर किया हुआ है और थोड़ा बहुत ऊपर से मेकअप किया हुआ है। आप देख सकते हो इस साइड मैंने फिटमी फाउंडेशन का इस्तेमाल किया था, इस साइड मैंने सुपरस्टे यूज किया था। सो आप देख सकते हो इस साइड थोड़ा बहुत डार्क सर्कल विजिबल है और थोड़ा सा शाइन है, इस साइड डार्क सर्कल विजिबल नहीं है और शाइन भी थोड़ा सा कम है क्योंकि बिल्कुल मैट फॉर्मूला है। अगर आपको मीडियम कवरेज चाहिए तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हो। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। मुझे पर्सनली हाई कवरेज पसंद नहीं है, मुझे मीडियम कवरेज पसंद है, तो मुझे फिटमी ज़्यादा पसंद है। अगर आपका स्किन ऑयली हो तो आप डेफिनेटली इन दोनों को यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपका स्किन ड्राई हो तो आप इसे इस्तेमाल करने से पहले मेक श्योर अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेना और बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करने के बाद ही आप इसे यूज़ करना। ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर देता है स्किन को। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को मेरा ये आज का वीडियो? आई होप आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा आज का वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इन फाउंडेशन के बारे में तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हो। मैं सुमी, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, साइड में एक छोटू सा बेल बटन है उसे भी क्लिक कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच जाए। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।